ये किस खुशी में? आप ही बताइए ना। तुम्हारा जन्मदिन है? फिर तो तुम्हें जरूर गाने का कोई अवार्ड मिला होगा। नहीं। तो क्या बात है, तुम खुद ही बता दो। अच्छा, आपको लड़का पसंद है या लड़की पसंद है? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम माँ बनने वाली हो ये सुनकर खुशी हुई, पर इस बच्चे का बाप मैं हूँ ऐसा मत बोलना। क्या कहा? तुम्हारे कितने ही चाहने वाले हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ। पता नहीं अपने चाहने वालों में से तुमने किस किस को ये कहा होगा, पर मैं इसका बाप नहीं। माना कि हम दोनों ने प्यार किया और प्यार के बीच ये आया, तो या बच्चे को मार दो या फिर मुझे छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मेले में गाना गाने वाली और होटल में नाचने वाली, तुम्हारा एक पति से क्या होगा? मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खाके कहती हूँ कि आपको आपके किए गए पाप की सजा अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। इंदर सिंह की छोटी बहन यहाँ मंगलसूत्र बांधे बिना पेट में बच्चा लिए मेरे सामने खड़ी है। तू गाना गाएगी और मैं पैसा कमाऊंगा, मैंने ये सोचा था। तू रंगरलिया मनाए और मैं तेरे ऊपर पैसे खर्च करूँ, ये नहीं सोचा था मैंने। अगर तू एक बच्चे की माँ बन गई तो तेरा मार्केट तो जाएगा, मेरा मनी मार्केट भी चला जाएगा। रो रही है? ठीक है, अब जल्दी से एक बात तू मुझे बता, तुझे इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है? भैया, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम उनका पता लगाकर मेरी उनसे शादी नहीं करवा सकते? करा सकता हूँ, अगर वो पैसे वाला हुआ तो। गरीब हुआ तो? तो तेरे बच्चे को मिटा दूंगा। छी, कैसे भाई हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे बच्चे को मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अलग करके दिखाता हूँ। सर, आपकी बहन को लड़का हुआ है। बहुत खुशी हुई, जाओ। कंग्रेचुलेशन। तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी बहन के तो लड़का हुआ है ना? सर, अगर उसने बड़ा होकर पूछा मेरा बाप कौन है तो मैं क्या बताऊंगा, इसलिए वो बच्चा मर गया, ऐसा मेरी बहन से बोल दीजिए सर। व्हाट? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बोल दीजिए सर। मेरी बहन एक इज्जतदार की तरह अपनी जिंदगी शादी करके हंसी खुशी बिताए, यही इस भाई की तमन्ना है सर। मेरे ऊपर अपनी दया का हाथ रख दो डॉक्टर सर, हाथ रख दो ना सर। मेरे झूठ बोलने से अगर तुम्हारी बहन की जिंदगी बच सकती है तो मैं झूठ बोल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं कसम खा के बोलता हूँ, तेरा बच्चा मरा ही पैदा हुआ, तुझसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मेरा भरोसा नहीं है तो उस नर्स और डॉक्टर से पूछ ले। अरुण सिंह। आइए सर जी, आइए। मुझे बिल्डिंग पे इतना ऊपर क्यों बुला लिया? तुझे ढकेलने के लिए। अरे, इस बच्चे को तेरे पास ढकेलने आया हूँ। बच्चे को? ये मेरी बहन का बच्चा है, उसके पैदा होते ही वो मर गई, इसलिए इस बच्चे को कैसे भी मार दे उसके लिए। ये ले 5,000 रुपये। लेकिन बच्चे को मैं होश में कैसे मार पाऊंगा? ये देख, तेरे लिए तो बाहर ही उठा लाया। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर ही रख दीजिए। ये बात। अरे अरे, हाथ नहीं है, ऊपर ही रख इसे। लेकिन दोनों को एक साथ कैसे संभालूं? इसको ऊपर भेज, लेकिन किसी को पता ना चले, समझा? चिल्लाए बगैर इस बच्चे को मार दे, उसके बाद तू जो चाहे वो कर। राजा, आवाज मत करना। बाप भाग गया, माँ मर गई और मामा ने मार डालने को कह दिया है।
तू डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं। ये इंसानियत के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खर्चे के लिए कर रहा हूँ। तुझे जिंदा रख के मैं जीऊंगा। पूनम, भैया मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुमने भी मुझे धोखा दिया भैया, जिससे प्यार किया उसने भी धोखा दिया, मुझे जन्म देने वाले बच्चे ने भी धोखा दिया। अब इस धोखेबाज संसार में मैं जी के क्या करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, इसे तू पी नहीं सकता, जो तू पी सकता वो मैं दे नहीं सकता। ए बहन जी, बच्चा रो रहा है, इसे भी थोड़ा दूध दो ना। चुप करो। अपने बच्चों को पिलाने से पहले गांव के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। शराब पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, दूध पिलाने के लिए नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुझे भगवान कभी भूखा नहीं रखेगा बेटा। कल पढ़ाए गए पाठ से कुछ पूछूं तो जवाब दोगी ना बेटा? हाँ। रामायण में राम जी को कितने सालों का वनवास हुआ था? 2 साल। 14 साल सर। तुम्हें कैसे पता बेटा? सर जब आप बेबी को पढ़ाते थे तो मैं भी सुनता था। तुम यहाँ काम कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? सर मेरे पिताजी अपने शराब के शौक के लिए मुझे यहाँ काम पर भेजते हैं। क्या, तू पढ़कर बड़ा कलेक्टर बनने वाला है? हा? तुझे घर में क्या पढ़ाने के लिए रखा है? और तू दुनिया वालों को बताएगा कि तू मेरी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा? भाग यहाँ से, जा। किसने बंद किया? अरे मैं तुम्हारा डांस देखने नहीं आया, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को लाओ। अरे तुम क्या खाना खाना कर रहे हो, तुम्हारे खाने से ज्यादा ये गाना जरूरी है। ए, मेरा खाना कहाँ है? ओए रुको यार, क्यों रे सेना, रेडियो खराब हो गया क्या? हीरा तुम्हारी नौकरी गई। सर क्या बोल रहे हैं सर, व्हाट टॉकिंग सर? काम छोड़ के डांस करते हो? मुझे कुछ पता नहीं, इस गाने को सुनते ही मैं कहीं खो जाता हूँ, मेरा तन मन मेरे वश में नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्यों होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये गाना सुनते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ सर, सब कुछ। I don't want hear all this nonsense. सर, मैं आपके हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो सर, मुझे काम से मत निकालो सर। 31 तारीख को अपनी पगार ले लेना। सर घर गया तो मेरा बापू मुझे छोड़ेगा नहीं सर। वो सब मैं नहीं जानता, नौकरी छूट गई तो मेरा बापू मुझे मार डालेगा सर। डांस करने से पहले सोचना था ना, ये नाच तो ऐसे रहा था जैसे तेरी माँ गा रही हो। सर मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो सर। No. आपके हाथ जोड़ता हूँ। No. सर। आपके पैर पड़ता हूँ सर। No. Get out. जा रहा हूँ बे। अरे घर तो जाना ही पड़ेगा। अरे बेटा तू तो गया काम से,
इडियट ऑफ द फुल स्टूपिड नॉनसेंस। मुझे मत मारो पिताजी, मुझे मत मारो पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। एक टाइम नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। हीरा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या पहली बार देखा है? भूल गए क्या? अरे नहीं यार, ये नौकरी भी गई। ओहो, ये बात है? फिर तो आज तेरा बापू तुझे गांव में भगा 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 के मारेगा। अबे क्या बक रहा है बे? अच्छा पगार तो दी ना तुझे? अबे नहीं यार, वो तो 31 तारीख को देगा। अरे वाह, फिर तो तू आज बाप से रजनीकांत स्टाइल में मार खाएगा। साला तू दोस्त है कि दुश्मन? थु, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे हीरो रुक तो। अरे नहीं रुकूंगा। अरे जा। नहीं। अरे कहां भाग रहा है? नहीं रुकूंगा। अरे बाप की मार से बचने का एक आइडिया है मेरे पास, रुक तो। क्या आइडिया है? पास के गांव में एक फैक्ट्री खुली है, वहां जाके तू भी काम के लिए ट्राई कर, तुझे काम मिल जाएगा। और काम लग गया मेरे दोस्त तो तू बच जाएगा, मेरे दोस्त बच जाएगा। सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तू ही सच्चा दोस्त है, हमेशा समय पे काम आता है। अरे अभी थोड़ा बचा है। ए, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे। अरे घबरा मत किरा, पहले नौकरी मिलने के बारे में बताएंगे, उसके बाद नौकरी छूटने के बारे में बताएंगे। अरे बापू देखो अपने बेटे की तरफ, जरा देखो हीरा को। मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया इसे। मरवा दिया इसने। बापू मारना नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है बापू, मुझे माफ कर दो। उस गाने को सुनते ही बापू मैं अपने आप नाचने लगता हूँ बापू, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता बापू, समझ भी नहीं आता। कौन सा गाना? अच्छा ये गाना? हाँ बापू, इस गाने को सुनते ही मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या होने लगता है, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता और मेरे पैर अपने आप उस गाने पर थिरकने लगते हैं बापू। दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला, देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। देखो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। कसम से दे घर सहारा, उसकी छाया से चलता गुजारा, कोई घर लंबा मिले जमाना कदम तले, सवार हो के उसके संग संग बढ़ चलो, उसे झुकना ही पड़े प्यार करना ही पड़े, जो रुको प्यार करे वो बड़े ही मन से, मोटा हो या लंबा हो दामाद आता बड़े काम रखना यार, कोई ऐसा ना मिल जाए कहीं हजम कर ले सारा माल। दूर कभी थे ए ए ए ए दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला, देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के
बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। मैडम मैडम, मैं आपका फैन हूँ, इस फोटो पर अपना साइन कर दीजिए ना। आपकी फोटो है, साइन कर दीजिए ना। कैसे नहीं नाचेगा तू, तेरी माँ का गाना जो है। ए, चिंता मत कर, दूसरा काम मिल जाएगा। बापू तू मुझे मारोगे नहीं ना? So nice, so good, happy boy. मैं क्या कह रहा था चाचा जी कि कल पास वाले गांव में काम के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरी गारंटी पे हीरा को काम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो चलो पहले तू जा। क्या मालिक, 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 मेरा पैसा आपने रिटायरमेंट के टाइम में देने का वादा किया था, अब आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? वादा पूरा करना जरूरी है क्या? कोई कहता है कि मार डालूंगा तो क्या वो मार डालता है? इसी पैसे की उम्मीद में मैंने अपनी बेटी की शादी तय की थी। मालिक फिक्र मत कर, तू अपनी बेटी मेरे पास ला, मैं उसे रख लूंगा। मालिक गरीब है, उसका पैसा दे दो ना। ए, अगर तुझे नौकरी चाहिए तो लाइन में खड़ा रहे, नेतागिरी मत कर। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन इस गरीब का पैसा जरूर दे दो मालिक। अगर पैसा नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तुझे गांव से गायब करवा दूंगा मैं। क्या कहा? रजनीकांत का नाम सुना है तूने, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है तूने, और धर्मेंद्र का नाम सुना है तूने, इन सबको मिलाकर ऐसी कोरियोग्राफी में तेरी पिटाई करूंगा कि याद रखेगा तू, आगे से धमकी देना भूल जाएगा। ए, इनको बाहर निकालो। जोश जोश में मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया यार, हीरा अब आगे तुझे ही संभालना है मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते, यहाँ पे काफी लोग काम कर रहे हैं, अगर हम अपना काम यहाँ करेंगे तो इनको परेशानी होगी, इसलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। आजा आजा। उस्ताद को बुलाना पड़ेगा। उस्ताद कहाँ हो तुम? उस्ताद, अरे मुझे मारना है। मालिक फैक्ट्री में घुसकर एक गुंडा हमारे आदमियों को मार रहा है, अब जल्दी यहाँ आ जाइए, जल्दी आइए मालिक। आ! देखा ना उस्ताद, तुम्हारे सामने मार रहा है। अब उस्ताद से लड़के दिखा। देखो ना उस्ताद, तुम्हारे सामने हुल दे रहे हैं। ले पकड़। ये बीड़ी खत्म होने से पहले तेरे मालिक को लुढ़का दूंगा। Yeah.
इसका लफड़ा मालिक तक पहुंच चुका है, इसे आप संभालिए। बहुत स्टाइल से आ रहा है, क्या लफड़ा है इसका? क्या लफड़ा कर रहे हो, यही पूछ रहा हूँ। अच्छा तो तुम इस कंपनी के मालिक हो? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। तुम्हें देखकर तुम अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मुझे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जी हाँ मालिक, आपकी कंपनी से रिटायर्ड होने वाले मजदूरों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे पता नहीं है रिटायर्ड होने वाला है। मैं यहाँ नौकरी मांगने आया था, इसके साथ अन्याय हो रहा था तो मैं देख नहीं पाया। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस गरीब का हक इसे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी मालिक। नमस्ते। दामाद जी, ठीक से धोना इनको। इधर आइए काका। मालिक, इन्हें इनका पैसा दे दो। ओके सर। मैं चलता हूँ मालिक। तुम यही नौकरी करोगे, मैनेजर इन्हें काम समझा दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। यू आर ग्रेट, द ग्रेट मैन ऑफ गुड हार्ट, आई नो इंग्लिश। दामा जी, ये फैक्ट्री बिकवानी है क्या? हर रिटायर्ड होने वाले को इस तरह पैसा देते रहे तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। 58 साल तक यहाँ हर मजदूर को जिंदा रहना है, पर ये सतरा तो 56 में ही मरने की तैयारी कर रहा है। अरे यार, मुझे तो नौकरी मिल गई, शुक्रिया मालिक। बाय मालिक। माना जो धमकी दी थी ना, लगता है उसी से सब डर गए हैं, है ना हीरा? अच्छा, इस पे अपना नाम लिखो, बाप का नाम भी लिखना। यहाँ नौकरी मुझे करनी है, मेरे बाप को नहीं। अरे लिखना। देशमुख। लिखो। तुम्हारा नाम क्या है? जानता नहीं क्या? हीरा। लिखो लिखो। दामा जी, तुम हमारी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हो, इस बात से मैं ना नहीं कर सकता। उस बुड्ढे को पैसा देने के लिए कहा वो ठीक है, लेकिन उस गुंडे को जो नौकरी देने के लिए कहा, वही तो रॉन्ग फैसला, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया है। मालिक को हमेशा सबके सामने अच्छा ही बनकर रहना चाहिए। जो दुश्मन है उसे करंट लगा के मार दो। हादसे में मर गया तो किसी पे इल्जाम भी नहीं आएगा। इसे कहते हैं पैसे वालों का शातिर दिमाग। अरे रे 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 रे। तुम्हारे शातिर दिमाग को मान गया। मेरी कंपनी में ऐसे बहुत से हैं जो करंट के हादसे में मर चुके हैं। वाह मेरे लायक दामाद। ये सारी जमीन मेरे दादाजी की थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब बेच दी। ये क्या, रनिंग करने वाले तो सीधा दौड़ते हैं, ये तो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा है यार। कार को पीछा करते हुए पहली बार देख रहा हूँ यार। यार कमाल है यार, रेस की नई टेक्निक है क्या? मैडम आज इतना बहुत हो गया, बाकी कल करें। जरा घूमो। अच्छा इधर घूमो। तुम्हारे कपड़ों पर पेंटिंग थोड़ी कम लग रही है, मैं गाड़ी रिवर्स कर लेती हूँ, तुम फिर से भागना। ओके। क्या ये? व्हाट इज दिस? गेम है। गेम है? गेम? हाँ गेम। वो भागता है तो मैं गाड़ी दौड़ाती हूँ, वो गिरता है तो मैं उसे पैसे देती हूँ। चोट लगी तो? चोट लगी तो पैसे दे दूंगी। टांग टूटी तो? टांग टूटी तो पैसे दे दूंगी। और मर गया तो? उसके बाद क्या दोगी? ज्यादा पैसे दूंगी। अब मेरा गेम देखो। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक कर रहा है। हीरा हीरा, दूसरे की मुसीबत में तू क्यों बीच में घुस रहा है यार? अब चुप कर। No, please don't damage my tire. Forgive me, please. This is my new car, please. अरे इसकी इंग्लिश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है।
वो कह रही है कि मेरे दो ही टायर क्यों फाड़े हैं, आप मेरे चारों टायर फाड़ डालिए प्लीज। ओ ऐसा क्या, अभी फाड़ता हूँ। यू स्टूपिड माय कार। टायर वो फाड़ रहा है तो आप मुझे क्यों कह रही हैं? वहाँ जाकर गाड़ी संभालनी चाहिए आपको, वो टायर के बाद आपकी सीटें भी फाड़ देगा। अरे रे 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 रे, ये क्या यू, यू स्टूपिड, यू ब्रूट, हाउ डेयर यू, व्हाट शुड यू लाइक डू दिस डैमेज। ये इंग्लिश बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने कहा कि टायर फाड़ने से ये बहुत खुश है, अब आप इसकी गाड़ी को बिल्कुल तोड़ डालिए। अच्छा तुम्हारी उम्र भले ही कम हो पर तुम्हारा दिमाग बहुत शातिर है, इसलिए तुम्हें मालिक मालिक कहने में मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद मान चुका हूँ, इसलिए बिजनेस में उतरा हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके अपनी भतीजी से तुम्हारी शादी कर दो। सर सर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस लौटा देता हूँ। ससुर जी एक बार फिर से कहो। ससुर जी मुझे शर्म आ रही है, मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं है, मैं तो आपकी लड़की से। तुम कुछ बोलते बोलते रुक गए हैं। हद तेरेगी, क्या है ससुर जी आप मुझसे पैसे लेते हैं? अगर कह दिया होता कि मेरी लड़की को गाड़ी चाहिए तो टोयोटा विदेशी कंपनियों की और भी गाड़ियां उसके लिए लाइन से खड़ी कर देता। क्या खड़ी कर देते, घर में शोरूम बनाना है क्या? उसके पास है टोयोटा। वो ऑटो से क्यों आई? अरे अभी अभी नई गाड़ी खरीदी है, पूछता हूँ कहाँ पे है। लता कार कहाँ है? ये लीजिए। क्यों गाड़ी सर्विस को दी है क्या? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये किस लिए? चारों टायर्स को किसने फाड़ दिया? ये नए टायर का बिल है। क्या, कौन था वो? गुनेगार अपना फोटो और एड्रेस कभी किसी को नहीं देता। हुँ? वो कौन था मुझे नहीं पता। करेक्ट पॉइंट। किसने ऐसा तुम्हारे साथ किया होगा ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मुझे क्या पता, मैं पांडू के साथ गाड़ी वाला खेल खेल रही थी, पता नहीं वो लोफर कहाँ से आया और उसने मेरी गाड़ी के चारों टायर्स फाड़ डाले। ये देखिए ना डैडी, उसने स्कॉट भी फाड़ दी। ये तो अच्छा हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। इनसे मिलो बेटा। शंकर एक हफ्ते हमारे घर में ही रुकेंगे, जब भी तुम बाहर जाना इन्हें साथ में लेना, ठीक कहा ना? आपकी लड़की तो कब की जा चुकी है। लता yourself. अरे रे, आज तो पगार नहीं मिलेगी हीरा। क्यों नहीं मिलेगी? सामने देख पगार कौन दे रहा है। अरे यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता। भाई साहब ये लड़की कौन है? ये मैनेजर की भतीजी है लता। लेकिन पगार ये क्यों दे रही है? फैक्ट्री के मजदूरों को अपने हाथ से पगार देने का इसे शौक है, इस बार बराबर पगार मिलेगी। हमें नहीं मिलेगी, अबे अब क्या किया जाए? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, दूसरे की मुसीबत में टांग मत अड़ा वरना प्रॉब्लम होगी। तू नहीं माना, इसकी गाड़ी के चारों टायरों को तूने फाड़ डाला और ये कोई छोटी बात नहीं होती। तेरे चक्कर में अब मुझे भी पगार नहीं मिलेगी, देख लेना। अरे जल्दी दीजिए भूख लगी है। तुम दोनों ने हेलमेट क्यों पहनी है? निकालो इसे। मैंने इसे पहले ही कहा था कि टायर को मत फाड़ मत फाड़, मगर कभी ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। अरे ये रजनीकांत की आवाज है, वो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है ना, चलो जल्दी से इसे पकड़ दे दो, जल्दी करो। नहीं ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है,
मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि टायर मत फाड़ मत फाड़। ये मैडम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भी जानती है। ए, वेल्डर को इधर बुलाओ। अबे वेल्डिंग करेगी क्या? इन दोनों के सर से हेलमेट निकल नहीं रही है, इसे काट कर निकालो। मैडम मैं निकल लेता हूं। आपको गलतफहमी हुई है, वो टायर फाड़ने वाला वो देखिए वो जा रहा है, वो भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो वर्कर, मुझे पकड़ लो ना। मुझे फंसा के तू हेलमेट पे छुप के भाग रहा था, मारता क्यों है यार? अपना मुंह दिखा मैडम को, हेलमेट उतार। क्या नखरा है, डन। आपका मुजरिम आपके सामने है। तो तुम हो? Yes. हमारे फैक्ट्री में काम करते हो? Yes. तुम्हारी नौकरी भी गई और पगार भी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। देखो बड़े लोगों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, हमने मेहनत की है, हमें हमारा पगार चाहिए, क्यों बैठी खाना? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये उसूलों की बात है। बाहर की बात को अंदर क्यों ला रही है? बाहर टायर फाड़ा है, कपड़ा फाड़ा है, तो वो बाहर की बातें हैं। फिर भी आप अपना गुस्सा दिखा लीजिए, इसे पगार नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन मुझे तो दीजिए। जाए यहाँ से। इज्जत से हमें अंदर जाने दो। अच्छा, और नहीं जाने दिया तो क्या कर लेगा? ये सब क्या हो रहा है? मैडम को ही देने के लिए मैंने निकाल के रखा। अच्छा? कौन है ये? लेबर लीडर है, नौकरी पर आता ही नहीं, सिर्फ पगार लेने आ जाता है, साथ में दो और लोग लाता है और बोलता है उन्हें भी पगार दो। ऐसे कैसे दे देंगे, इन्हें तो हमने कभी देखा भी नहीं है। ए, अगर तुम्हें सही तरीके से पगार चाहिए तो काम करो, वरना गेट आउट। देखिए मैडम, आप इस मामले में टांग मत अड़ाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमें अपना काम करने दो। भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप लेबर लीडर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे हट्टे कट्टे, नहीं नहीं ऐसे ही कह रहा था, आप जैसे बहादुर लीडर के कारण ही और लोगों का नाम खराब होता है। आपका पगार देना समझ में आता है, लेकिन आपके चमचों को पगार देना। कौन है बे, मैं पीस के रख दूंगा। चुप रह, तू रहने दे, रहने दे, रहने दे। अब ऐसे चमचे लोगों को पगार दिलवाना तो गलत है ना? क्या कहा तूने? कहा क्या, इस वक्त मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मुसीबत में आ जाओगे खड़े खड़े। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता और मेरा कोई शौक भी नहीं है, अब भी तो मैं समझा रहा हूँ। हम लोग जैसे मालिक के फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसी तरह हमें उनके हर हुक्म को भी मानना चाहिए, समझ गया ना? तभी मालिक और काम करने वालों में एकता रहेगी। बेचारा ये तो गरीब का बच्चा है, इसे इतनी समझ का है। ठीक है मैं जाता हूँ, तेरा नाम क्या है? रजनीकांत। ए, चलो रे, बाद में देख लेंगे। Well done. Keep it up, boy. Keep it? तुझे वापस रख लिया कह रही है, तुझे वापस रख लिया इंग्लिश में कह रही है। बापू बापू, तुमने कभी 100 रुपए का नोट देखा है क्या? देख बापू, इतने सारे 100 के नोट। ले लो। पैर कहाँ है, आशीर्वाद दो। बापू इसमें हमें बहुत सारे काम करने हैं, छत के लिए सीमेंट का शीट लाना है, साइकिल लेनी है, ट्रांजिस्टर लेना है, और भी सारे काम करने हैं। अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह साइकिल पर पूरे गांव का चक्कर लगाना है बापू, दुश्मनों को जलाना चाहिए, दोस्तों को खुश रखना चाहिए, क्यों ठीक कहना बापू? हाँ बापू, 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 बापू। कहाँ गए होंगे आखिर बेटा? ये देख बापू, रोज रोज देसी नहीं पी सकता, इसीलिए मैं विदेशी ले आया हूँ, आज रात के लिए, कल के लिए और हफ्ते भर के लिए ले आया हूँ। ठीक किया ना मैंने, मेरी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा दी। मेरे पास 2-3 रुपए बचा के लाया ना, वो भी अंदर रख देता हूँ, देसी के काम आएगा। बापू
शराब से ज्यादा जरूरत हमें दो वक्त की रोटी की है बापू। माँ बाप को दुनिया में भगवान समान मानते हैं और तेरे लिए माँ बाप सब मैं ही हूँ। भगवान के रूप में पहले मेरे ऊपर चढ़ा दे, बाकी की कमाई भगवान पर चढ़ा देना। माँ बाप खून पसीना बहाकर बच्चों का पालन करते हैं और गुरु उन्हें शिक्षा देता है, लेकिन तुमने मुझे बचपन से दिया क्या? सिर्फ दूसरों की गुलामी और दूसरों की खैरात, सिर्फ अपनी शराब के लिए? मेरा बचपन खेल कूद पढ़ाई के बजाय सिर्फ तुम्हारे लिए शराब लाने में गुजरा है। अरे तुम बाप नहीं, तुम बाप के नाम पे कलंक हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूं और तुम उसे शराब में उड़ा देते हो। तुमने आज तक ये सोचा कि मेरे भी कुछ अरमान होंगे, सपने होंगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम शराब पी रहे हो? बेटी की कमाई शराब में उड़ाते हो, कैसे बाप हो तुम? नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। बापू, एक शराब की बोतल के लिए तुमने मुझे लावारिस कह दिया? बापू ठीक कहा, तू लावारिस है। अगर तू वाकई में मेरा खून होता तो तू मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करता और ना ही इस तरह की बातें करता। अच्छा होता कि मैं तुझे उसी दिन मार देता, साला हरामी की औलाद। बताओ, छोड़ो मुझे, बताओ, छोड़ो मुझे। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं, तुम्हें बताना होगा। छोड़ो, किसने मुझे पैदा किया, कौन मुझे मारना चाहता था, बताओ बताओ बताओ। चलो बताता हूं। ठीक है, तेरे माँ बाप कौन है और इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा बाप तेरी माँ को धोखा देकर भाग गया और तेरी माँ तेरे पैदा होते ही मर गई। तेरा सौतेला मामा तुझे मारने के लिए मुझे देखकर वो भी भाग गया। तुझे मारने के बजाय तुझे पाला पोसा, इसलिए तू आज मुझे मार रहा है। अरे अरे, ये फाइल वगैरह क्यों फेंक रहे हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? मेरे बाप का नाम तूने पेपर पर लिखवाया था, कहाँ है वो? कहाँ है? टेबल के ऊपर ही है, इस फाइल में। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुमने ये नाम क्यों मिटा दिया? पैदा करने वाले के सिवा किसी और का नाम लिखना मेरे लिए अपमान की बात है। हेलो मैडम, मैं फैक्ट्री से मैनेजर बोल रहा हूँ, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। क्या हुआ, सही सही बताओ। हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले हीरा ने हमारे ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और सारे फाइल्स फाड़ कर फेंक दी। ये बात है, मैं अभी आ रही हूँ। हीरा, 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 अब यही रहना है क्या? मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मगर इस वक्त तेरी दोस्त है ये शराब, बोतल को पूरी पी ले, पी ले। गम भुलाने के लिए अगर इंसान शराब पीने लगे तो सारी दुनिया ही शराबी बन जाएगी। हाँ, तू लावारिस है, अगर तू मेरा खून होता तो तू ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा होता कि मैंने तुझे उसी दिन मार दिया होता। हीरा, उस शराबी के कहने से क्या तू अनाथ हो गया है? तू पूरे शहर में राज करता है, अपने उसूलों पर चलने वाला चक्रवर्ती है तू। कैसा चक्रवर्ती,
ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार, जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार। कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। प्यार क्यों न मिला, नफरत की दुनिया में पला, कोई नहीं जो अपना, इस दुनिया ने खूब छला। माँ का प्यार क्यों न मिला, नफरत की दुनिया में पला, कोई नहीं जो अपना, इस दुनिया ने खूब छला। बोतल ने ही साथ दिया, लेकिन नाम खराब किया, बोतल ने ही साथ दिया, लेकिन नाम खराब किया। कोई भी नहीं मेरे इस दिल के जख्मों को, आके देख तो ले कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार, ये जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार। कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। लगता है जैसे हूँ अनजान कोई, दिल में दर्द होता है जब कर दे अपमान कोई। घर में भी ये लगता है जैसे हूँ अनजान कोई, दिल में दर्द होता है जब कर दे अपमान कोई। रिश्ते सारे झूठे ही है, सपने सारे टूटे ही है, रिश्ते सारे झूठे ही है, सपने सारे टूटे ही है। करने हैं जितने भी सितम ये दुनिया, करके अब खुश हो ले कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती, मैं कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार, ये जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार। कैसा चक्रवर्ती, दुनिया नफरत करती, हो रहा हो कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। उस दिन कार का टायर फाड़ा, कभी न्याय की बातें करते हो, कभी मालिकों को सपोर्ट करते हो, तो कभी उनसे लड़ते हो, लेकिन आज तुम्हारी हरकत देखकर आ रही हूँ, तुम क्या हो ये मेरी समझ में नहीं आता। पच्चीस साल मैंने जिसके साथ जिंदगी गुजारी वो कौन है मुझे आज पता चला। तुमसे तो मेरी मुलाकात दो चार दिन की है, भला तुम मुझे कैसे जानोगे।
इस संसार में लोग दो की वजह से आते हैं और चार के कंधों पर यहां से वापस जाते हैं। सबको पता है कि जन्म किसने दिया है, लेकिन छोड़ने कौन जाएगा पता नहीं होता। लेकिन मुझे इस दुनिया में कौन लेकर आया मुझे ये भी पता नहीं। सब कुछ जानते हो तुम, सिर्फ नाटक कर रहे हो। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। हाँ, पढ़ना लिखना तो मैं भी चाहता था, लेकिन तुम्हारे जैसे पैसे वालों की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। बचपन में मैं एक पैसे वाले के घर में नौकरी करता था। उसके घर में एक ट्यूशन मास्टर आता था। उस घर की बच्ची से मास्टर ने पूछा कि राम को कितने साल का वनवास हुआ था। उस लड़की ने जवाब दिया 2 महीने का। मैंने कहा कि 14 साल का वनवास हुआ था। उसकी माँ ने उसे मारने के बजाय मुझे ही घर से निकाल दिया। इसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका। माफ करना मुझे, इसी वजह से मैं अनपढ़ रह गया। सर, मेरे पिताजी अपने शराब के शौक के लिए मुझे यहाँ काम पर भेजते हैं। क्या? तू पढ़कर बड़ा कलेक्टर बनने वाला है? तुझे घर में क्या पढ़ाने के लिए रखा है? और तू दुनिया वालों को बताएगा कि तू मेरी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा है? भाग यहाँ से। हीरा, तुम? हीरा, 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 तुम? मैं? लता! मैंने हाथ लगाया तो नखरे कर रही थी, और आज इस कमीने का हाथ पकड़ा हुआ है। इस कमीने का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। वो क्या है दामाद जी, कि हमारी लड़की फिसल गई थी और इसने उसे बचा लिया। टेस्ट में मटाओ दामाद जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी बच्ची ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप बेकार में नाराज हो रहे हैं। ए, जल्दी घटा जाना, अरे जल्दी आ, अपनी गाड़ी लेके आ, जल्दी घटा। मालिक, अपने लोग हीरा को पकड़ के यहीं ला रहे हैं। उसने तुझे छूने की कोशिश की ना, अब देखती जा उसका क्या हाल करवाता। अरे अरे उतारो मुझे, अरे छोड़ो। मालिक, टीटी बजाई तुम हिला के ऊपर आ रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दो सर। जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ, मैंने गुस्से में आकर ऑफिस में तोड़ फोड़ की फाइलें फाड़ दी सर, क्योंकि मैं अनाथ हूँ सर। इसके लिए तू कुछ भी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, दादागिरी करेगा। मुझे माफ कर दो सर। तू अनाथ है, लावारिस है, तो तू मेरा तोड़फोड़ करके नुकसान करेगा क्या? देखते क्या हो, मारो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अपनी गलती मानता हूँ सर। पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ कहाँ मारेंगे सर। वैसे तो ये लोग मेरे हाथ से बहुत पहले मार खा चुके हैं सर। मैं इन्हें पहले से बता देता हूँ कि इन्हें कहाँ कहाँ मारना। चल जल्दी बता। बस बताता हूँ सर। अरे रुक ना, बताता हूँ तुझे। मैंने ऐसे मारा था। अरे बाप रे, इन्हें मैंने पहले ही कहा था सर। नहीं, मैंने एडजस्ट कर रहा था दामाद जी। माँ बाप सब याद आ रहे हैं ना? हाँ, ये ले, ये ले। मैंने इसे भी पहले ही समझाया था सर। अरे तू तो हीरो जैसे फाइट करता है। बाप रे, अरे मेरे टांग में लग गई, बहुत दुख रहा है। अरे बाप रे, ये मुझे ना पता नहीं अजय कहाँ मारना है। इसी तरह सर, जब ये मुझे उठाकर ला रहे थे, मैं इनको समझा रहा था। आपको क्या पता सर, इसको अगर काला पानी भी भेज दिया गया तो मार मार के काले पानी को लाल कर देगा। Hey! Yeah! 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 मैं भी खिलाड़ी हूँ। क्या वे खिलाड़ी, अब देख मेरा पंच। मर गया।
उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब नीचे करके धूल चाट रहे हो ना। थू। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते सर? चार चार लोग मिलकर मुझे मार रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता सर? इसीलिए मैंने इन्हें मारा। भाई रुको सर, इनमें से दो लोगों ने पहले भी मुझसे मारपीट की, मैं आपको कैसे बताऊं सर? अगर आप कहें तो आपके पास आकर बताऊं सर। वो नहीं, रहने दो। ठीक है सर। तुम तो खिलाड़ी हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। हद तेरी की। तो अब तुम हमें छोड़ दो। आज के बाद तुम ऊटी के शंकर स्टेट में काम करोगे। शंकर स्टेट में? सही सुना, तुम वहाँ के मैनेजर हो। मैनेजर? मैनेजर को इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश डोंट नो मी सर। मिस्टर इंग्लिश, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैलरी 20,500। 20,500 रुपये। 20,500? क्या कह रहे हैं सर? उस दिन मैंने फैक्ट्री में इनको मारा तो आपने नौकरी दे दी, आज इनको यहाँ पर मारा तो आपने मैनेजर बना दिया। अगर मैं आपको मारूं तो सर? मुझे मत मारना, इन्हें मारना, मालिक बना देंगे। और हाँ, कल सुबह तुम ऊटी जा रहे हो। अरे सर, सुबह क्यों, आज शाम को निकल जाता हूँ, सुबह होते होते ऊटी पहुँच जाऊंगा सर। तेरे की, वहाँ कैसे जाओगे? एक गधा कहीं का। अबे तू एरोप्लेन से जाएगा। कैसे? ऊपर जो उड़ता है उससे? उसने बीच में उतार दिया तो सर? ये लो। ये क्या है सर? बस टिकट है। अबे प्लेन का टिकट है? पहली बार टिकट देखा है। चलता हूँ सर। ये लो। ये क्या है सर? तुम्हारे लिए सूट और जूते। मेरे लिए? ये तुझे प्लेन में जाकर पहनने के लिए है, घर जाकर बदल लेना, अपने कपड़े भी साथ ले जाना। कल तो मैं प्लेन से जाऊंगा, कल तो मैं प्लेन से जाऊंगा। हीरा, ये आवाज कहाँ से आई? हीरा, ओह तुम हो, ये घर तुम्हारा है। देखो हीरा, तुम ऊटी मत जाना, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैं प्लेन से जा रहा हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं, चलो हटा। क्या चाहिए आप सबको? हीरा जा रहा है तो उसे विदा करने आए हैं? नहीं। तो फिर? हम लोग प्लेन का टिकट देखने आए हैं। प्लेन का टिकट देखना है? देखो देखो देखो, एरोप्लेन का टिकट है। देखो देखो, क्या है ये? इसमें काला पीला कुछ लिखा है। अरे बाप रे, ये तो हमारे राशन कार्ड जैसे दिख रहा है। इसमें खाना पानी चाय नाश्ता सब कुछ फ्री में मिलता है, इसलिए इसे राशन कार्ड की तरह बनाया गया है, समझे तुम? इसे देखकर ये हाल है तो हीरा को देखकर क्या हाल होगा भाई? हीरा, हीरा क्या है, देख लिया ना? तब हिल गए ना? अरे ये तो हीरो दिख रहा है। ये पता है क्या है? प्लेन के अंदर पैंट नीचे ना उतर जाए इसलिए है। अच्छा। ये किस लिए है पता है? नाक बहा तो उसे पहुंचने के लिए। और ये किस लिए है पता है? भाई को कोई ना पहचाने इसलिए। और ये किस लिए है पता है? हीरा, इस सूट की कीमत क्या होगी बेटा? चाचा, तू अपनी दारू के लिए इसका कपड़ा उतारने की सोच रहा है? चुपचाप चल बैठ इधर, और तू अंदर चल। सुनो, नजर न लग जाए। स्टूपिड लुक है तुम्हारा। राजा, राजा हूँ मैं तो, हूँ राजा। क्यों हीरा, इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर तो तैयार तो हो गया मेरे दोस्त, लेकिन तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ये है ना पेटी? ये पेटी है? ये तो टूटी हुई पेटी है। तू इतने अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा है और साथ में ये टूटी हुई पेटी लेकर जाएगा? ये टूटी हुई पेटी तेरी नाक कटवा देगी। ये बो, ये शर्ट, ये बेल्ट, ये चश्मा, ये सब कचरा हो जाएगा पेटी के साथ। सच कह रहा हूँ मैं तुझसे, ये पेटी नहीं ले जाने दूंगा मैं तुझको। अरे मालिक, मैं एक भिखारी हूँ मालिक, आप ऊटी में नहीं दिखते हो मालिक, प्लीज कुछ देते जाओ ना। ऊटी में पहली मुलाकात एक पागल से? शिमला में रहता था, नक नहीं मिली तो ऊटी में भीख मांग रहा हूँ। <आ, laughs>
इसे लो, इसे भी लो। चश्मा देना, कोट देना। चलूं क्या? कुछ तो दो। देखो, तुमने फटे हुए कपड़े पहने, मैंने अच्छे कपड़े पहने, बस इतना ही फर्क है। मैं भी भिखारी हूँ तुम्हारी तरह। सेठ विश्वनाथ जी का स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। अनाथ बच्चों को रहने के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं मिली, उनके लिए मैंने अनाथ आश्रम बनाया है। रुक जाइए सर, हम लोग जानते हैं आप जैसे दौलतमंद लोग जवारी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए, बुढ़ापे में पुण्य कमाने के लिए इस तरह का आश्रम बनवाते हैं। आप सब जरा शांत हो जाइए। बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ स्टेज पर आकर कहो। देख लिया, ये ड्रेस देखकर आप लोग समझते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी एक लावारिस हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों को इसलिए ऐसा बुलाया क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह लावारिस हूँ। विश्वनाथ जी चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के सपनों को पूरा किया जाए। इनकी अच्छी सोच हम जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। जेल में कैद कैदियों को भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, खाने के लिए रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है और उनके रखवाली के लिए पुलिस भी है। हम भी बिल्कुल उनकी ही तरह हैं। टाइम पे दो वक्त की रोटी मिल जाती है और पुलिस की जगह बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं। गलती तो ये करते हैं और सजा भोगने के लिए हमें छोड़ देते हैं इस दुनिया में, लेकिन इनको सजा कौन देगा? जवानी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए ये लोग अनाथ आश्रम खोल देते हैं और हमसे मिलने भी आते हैं, और हम जैसे नाजायजों को अपनाने में इन्हें शर्म आती है। उनमें से कुछ तो मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें यह समाज लावारिस कहता है। इस तरह की गलती के जिम्मेदार मर्द ही होते हैं। लड़के ने अच्छा काम किया तो माँ बाप का नाम होता है, अगर माँ बाप ने बुरा काम किया तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए, ये पैसे वाले सेठ लोग गरीब की लड़की को फंसा कर उनसे शादी का वादा करके उनके गले में मंगलसूत्र के बजाय बदनामी का फंदा डाल देते हैं। पहले ऐसे लोगों को ढूंढकर सजा देनी चाहिए, बाद में हमें सजा देना। क्यों जी, वो हमारी इतनी बेइज्जती करके गया, आपने कुछ कहा नहीं? वो बिल्कुल सच बोल कर गया। 25 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी वही तो उसने कहा। भाई साहब, ये शंकर स्टेट यही है ना? हाँ यही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। सर, अरे ये तो क्या हो रही है? अरे ये घर है। आप? अरे बाप रे। ए, पकड़ो उसे। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि आपका घर है सर। मैं तो इस पते को ढूंढ रहा था सर। देखिए सर, यही पता है सर। देखिए सर, तुम गलत घर में नहीं आए हो, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। थैंक यू सर। ये मेरा इकलौता बेटा है। मर गया। बेटा है आपका? समझ गया मैं, नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ। जाता हूँ यहाँ से। जाने से पहले एक बात कहूंगा सर,
सर सर मेरा जन्म आज से 30 साल पहले हुआ था सर, नवंबर के महीने में। तब से बहुत परेशान हूँ सर, जहाँ जाओ लात घूसा खाने को मिलता है सर। कूली का काम किया, कंडक्टर का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, होटल में प्लेट तक साफ किया सर। आपके लड़के से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया सर। उन्होंने मेरा हुलिया बदल कर नया सूट पहनने के लिए दिया सर। क्या कहूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी सर। आपके आदमी आकर मुझे मारे इसके पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ सर। इसी में मेरी इज्जत है सर, जाता हूँ सर, प्लीज सर। बेटा हीरा, हीरा हीरा तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर बुजुर्गों ने कहा है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी की बुद्धि भी कम होती जाती है सर, इसीलिए दूसरी तक ही पढ़ा हूँ सर। पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारी ये अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम यही नौकरी करोगे। मैं सच कहता हूँ सर, आपकी इस रहमदिली से मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ कीजिएगा सर। तुमने कोई गलत बात नहीं कही है। सच तो ये है कि तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही इस अंधेरे घर में रोशनी आ गई, ये देखकर मेरे मन को सुकून मिला। सर आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम? ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम यहाँ तक पहुँच गए? आउट। आउट? गेट आउट। अरे बाप रे, माँ जी, आप तो महालक्ष्मी हैं, लेकिन महाकाली की अवतार लग रही हैं। मुझे छोड़ दीजिए, कुछ देर पहले मालिक की बात सुनकर तसल्ली मिली थी, अब आप बीच में आकर टर्निंग पॉइंट क्यों देना चाहती हैं? चुप करो, बहुत खूब। तुम जो भी बकवास करोगे हम क्या उसे चुपचाप सुनेंगे? अगर इसकी बातें हमारे क्लब के मेंबर सुनेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? देख लिया बेटा, तुमने जो सच्ची बात कही वो भी इसे पसंद नहीं आई। ये इस बात से खुश है कि तुम्हारी बातें इसकी सोसाइटी ने नहीं सुनी, और यही मेरी बदनसीबी है। क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ? किसी लावारिस के साथ? ये कोई लावारिस नहीं है, ये मेरा बेटा है। मेरा मतलब हमारे बेटे शंकर ने इसे यहाँ भेजा है। क्या, इसे शंकर ने भेजा? किस लिए? आपके स्टेट में मैनेजर की नौकरी के लिए। शाबाश, सही जगह नौकरी के लिए भेजा है। मेरा बेटा खिलाड़ी है, किसे कहां पर नौकरी देनी है वो अच्छी तरह जानता है। सुनिए साहब को तुरंत काम पर भिजवा दीजिए। शुक्रिया, जल्दी जाओ। हीरा, तुम मैनेजर की नौकरी मत करना, वापस गांव चले जाओ। आप वापस जाने की बात क्यों कर रहे हैं सर? पहले माँ जी नौकरी पर नहीं रख रही थी और अब आप मुझे मना कर रहे हो सर। आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तुम्हें सब समझा क्या, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक तरफ माँ जी, दूसरी तरफ आप सर। वो सुनो हीरा, तुम उस फैक्ट्री में काम नहीं करोगे, चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना जिंदा नहीं जा पाओगे। ऐसी नौकरी किस काम की? देखो हीरा, तुम ऊटी मत जाना। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। सर अब मैं वापस नहीं जाऊंगा सर। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। न्याय हो तो न्याय की बात करता हूं, अन्याय हो तो अन्याय की। सर यह जगह मुझे बहुत पसंद आ गई, अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी मिट्टी के लिए अपनी जान लगा दूंगा सर। मरने के बाद भी इसी मिट्टी में जलकर खाक हो जाऊंगा सर। मुझे ये नौकरी पसंद नहीं आई तो वापसी का रिटर्न टिकट भी मिला है सर। आज के बाद वापस जाना ही नहीं है सर, यहीं पर सेटल होना है। मुझे इस कंपनी से जुड़े हुए 20 साल हो गए, मुझे कंपनी ने कभी बस से भी नहीं भेजा और आप फ्लाइट से आए हो। किस्मत है यार, किस्मत। अच्छा ये आपने बेल्ट किस लिए लगाया है? पैंट सरक ना जाए इसलिए क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यही वो घर है जिसमें तुम्हें रहना है। अरे यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है यार? चश्मा उतार कर देखो। मेरे लिए सीमेंट का घर? झोपड़े वाले हो क्या? तूने मुझे झोपड़ा वाला कहा क्यों? माफ कर दो, मेरा हेयर स्टाइल देखकर छोटा कह रहे हो तुम। मुझे माफ कर दो, मेरा नया जूता देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे। मुझे माफ कर दो, वो छोड़ो, मेरा ड्रेस देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे। माफ कर दो, बिल्कुल मैं छोटे घर से ही हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? हिंदुस्तान का 70% इलाका क्या है? क्या है? गाँव है। और यहाँ पर 50% लोग क्या है? क्या है? गरीब है। और 10% क्या है? क्या है? गंदगी। और 10% क्या है? क्या है? शमशान घाट। तुम तो बहुत ज्ञानी हो, इसीलिए उन्होंने मुझे प्लेन से यहाँ भेजा है। हाँ, और तू मुझे छोटा कह रहा था। मुझे माफ कर दो भाई। भैया नमस्ते। मुझे कहा? हाँ तुम्हें कहा। क्या हुआ भैया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बहन,
मुझे हर कोई गरीब, बेसहारा, बेरोजगार और नालायक, लावारिस इसी नाम से बुलाते हैं। मुझे जिंदगी में पहली बार भैया कहकर बुलाने वाली तुम हो। अरे भैया, पास ही में मेरा फोटो स्टूडियो है, चलिए ना भैया तुम्हारा एक फोटो निकालते हैं। फोटो सिर्फ 10 रुपए में? 10 रुपए में? पैसा बाद में दे देना। इसके और इसके भाई के स्टूडियो में फोटो निकालने कोई नहीं जाता, इसलिए तुम्हें फंसा रही है। मुझे फोटो का कोई शौक नहीं है, लेकिन साथ में शेर होगा तो चलेगा, ठीक है? इसके लिए तुम्हें गोपी के फोटो स्टूडियो में जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे स्टूडियो में सब है, चलो ना भैया। पिए, तुमने मुझे झोपड़े वाला कहा ना? अरे मुझे माफ कर दो, झोपड़े वाला मैं हूँ। सही कहा। ये है हमारा स्टूडियो। भैया आप रुकिए, भैया भैया। अरे शेर। भैया इसे छोड़ो, इससे खतरनाक जानवर हमारे ऑफिस में है। पिए साहब, मुझे बिना कपड़े वाले जानवर से बहुत डर लगता है, लेकिन कपड़े वाले जानवर से डर नहीं लगता। समझ गए? आओ ना। ये है मेरे भैया गोपी। नमस्ते। नमस्ते। मिलकर खुशी हुई। भैया इनका फोटो निकालो। शेर के साथ। हाँ निकालता हूँ ना, खड़े होइए ना। अरे अरे ये क्या हुआ? लाइट लाइट। पहले बताना था ना, स्टूपिड नॉनसेंस, डर गया मैं। खींचो। रेडी। मेरा फोटो ठीक से आया ना? फर्स्ट क्लास। हाँ सुनो, इस फोटो को बढ़िया से शीशे में लगाकर बाहर रख देना। किस लिए? पहले करो फिर देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखने के लिए भीड़ कैसे लगती है देखना। क्या बात है, ये सभी लोग मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? दोबारा ये लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे ना, इसलिए तुम्हें घूर कर देख रहे हैं। और ये है हमारे नए मैनेजर, इन्हें ठीक से देख लो, ये अंदर जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। इस ऑफिस में इन लोगों से तुम्हें ठीक से पहचान कर लेनी चाहिए। पारी विठल राव आंध्रा से हैं, भाई सामन्ना कर्नाटक से हैं, चेतन कृष्णन पुट्टी केरला से हैं, भाई भजन लाल मदन लाल पटना से हैं, और ये मैं तमिलनाडु से, मेरा नाम हीरा है। ये सब क्या है, कौन है ये लोग? ये सब लोग इस कंपनी के पुराने मैनेजर थे। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, सभी जगह तो नाम लिखा जाता है, यहाँ तो फोटो लगा दी गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। जिंदा रहे या रिटायर्ड हो गए उनका नाम लिखा जाता है, पर ये लोग तो दुनिया से रिटायर्ड हो गए। मर गए क्या, कैसे? इन्होंने 3 महीने काम किया, इनके कहने के मुताबिक नहीं चला तो फोटो में घुस गया है। लेकिन ये फ्रेम खाली क्यों है? ये जो खाली फ्रेम है ना, वो तुम्हारे लिए है। क्या? तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो वहां मैं चिपक जाऊंगा, समझ गए ना? ये सब लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, आप लोग मुझे कुछ मत करना भाई। अल्लाह के पुरे कुड़का अंगेड़ो मगने अंगना परड़ा पट्टी ऐसा बोल दे रहा। इन लोगों ने क्या कहा? तू सवाल मत कर, खामोश रह। मेरा केबिन कहां है? चलो बताता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ अंदर चलो। कबूतर था। कबूतर यहाँ कैसे आया होगा? अरे ये क्या है, ये मैनेजर का कमरा है या भूत बंगला है भाई? कई महीनों से यहाँ पर कोई काम के लिए नहीं आया, एक तुम ही हो जो बहुत दिनों के बाद आए हो। तुम्हारी कुर्सी उधर है, जाकर बैठ जाओ। ओ पिए, जाकर उन चारों फंडरों को बुला लो, बोल दो मैंने बुलाया है। ये आज ही छपेगा भाई, लोग जल्दी आओ। मैंने नहीं, इसने बुलाया है। क्यों बे टकले केकड़े, यहाँ पे साफ सफाई कौन करेगा है? सफाई कर। तेरे को तेलुगु में बताओ क्या कि क्या करना है? कन्नड़, लगता है तेरे लिए भी जाकर मुझे भाषा सीखनी पड़ेगी। हैं राम राम भाव, माला मराठी है ते कैजला क्या कुट्टी, तेरे लिए मलयालम सीखनी पड़ेगी क्या? है समझ गया कि नहीं? है <आ? laughs>
बहुत बढ़िया। वो क्या है ना कि पहले मैं हमेशा लेता हूँ, बाद में उसे लौटाता हूँ, बात हो या फिर लात हो, देखोगे कैसे। ये तो पूरा जंगली चार्जर की तरह लड़ रहा है। वो किधर गया? देखा भाव क्या कमाल है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा यहाँ पर गुंडागर्दी, हमला, लूटपाट चलता ही रहता था। ये चारों जो बदमाश थे जिनकी तुमने अभी अभी पिटाई की है, इनको सिर्फ मैंने मारते ही देखा है। मार खाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये छुट्टे पैसे इतनी धांधली करते हैं, इसका मतलब इनके पीछे कोई बड़ा नोट भी है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो नोट कोई और नहीं है, हमारे छोटे मालिक शंकर ही है। इस वक्त कहाँ है वो शंकर? दत्त तेरी की। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। आज तेरी बारी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए भैया। इस गांव की सारी लड़कियां अगर मुझे भाई कहेंगी तो सोचो ना मेरा क्या होगा। मालिक नमस्ते। तुम और यहाँ? मालिक मैं हूँ आपका नया मैनेजर हीरा हीरा। तू यहाँ क्यों आया? चला जा, चुपचाप यहाँ से चला जा। इन्हें जन्म देने के लिए इनके माँ बाप ने कितनी प्रार्थना की होगी, इन्हें पालने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा, इनकी इज्जत से शादी कराने के लिए कितने सपने देख रहे होंगे। उनके सपनों को तुम चकनाचूर कर देना चाहते हो, ये गलत है। देखो बहनों, तुम्हारा भाई कह रहा है, अब तुम लोग जाओ 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 जाओ। माफ करना मालिक। अंगत राव। वो हॉस्पिटल में है मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आपका लड़का बहुत शरीफ लड़का है, देवता समान। एक मामूली से आदमी को सड़क से उठाकर यहाँ का मैनेजर बना दिया। मैं यही पूछ रहा था इनसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वही सब जरा। शंकर, हमारे इस इलाके की तरक्की करने के लिए तुमने जो ये काबिल मैनेजर यहाँ भेजा है, इसे भेजकर तुमने समझदारी का काम किया।
अच्छा हीरा। नमस्ते मां। चलता हूं। तुम मुझे नौकरी से नहीं हटा सकते, बड़े मालिक ने मुहर लगा दी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें भी सुधार दूंगा। अच्छा खासा मैं वहां पर नौकरी कर रहा था, बेवजह में एक शेर को तुम उठाकर यहां ले आए। आ संभल के रहना। हाय। वेलकम लता। हेलो। आइए। लगेज कहाँ है? ओ, वो मेरा पीए लेकर आ रहा है। पीए ला रहा है? वो कौन है? सी देयर। दिस मैन द पीए, द लवली पीए फॉर द लवली गर्ल। इसने कपड़े तो नए पहने लेकिन देखा हुआ लग रहा है। दिस इज ओल्ड फेस बट गोल्ड फेस। मेरे दोस्त को तुमने मैनेजर बना दिया, इसलिए मैडम ने मुझे पीए बना लिया। हाँ, आओ चलो। ओह, व्हाट अ स्मॉल बेबी कार। वैनिटी वैन आपने कहा था, और अब ये क्या है? ये नहीं चलेगी। टोयोटा में घूमने वाली मेरी मैडम क्या भंगार गाड़ी में जाएंगी? योर फ्रेंड मिस्टर शंकर इज स्मॉल गाड़ी लेके आया है। मिस्टर पीए, इनके पूरे खानदान को मैं फाइनेंस करता हूँ। आप फाइनेंस करते हैं इनके पिताजी को, और वो फाइनेंस करते हैं अपनी बेटी की ब्यूटी के लिए। लता, ये क्या है? जंगली जानवर को तुमने अपना पीए बनाया है? इन्होंने सुना था कि यहाँ ऊटी में खतरनाक जानवर है, इसीलिए इन्होंने इस जानवर को अपना पीए बना लिया। मिस्टर शंकर, मैं इनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती। मिस्टर पीए, यस, फॉलो मी। कौन? शंकर, शंकर, हीरा कहाँ है? कौन? हमारा मैनेजर हीरा। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि उसने ही हमारा तेल निकाल दिया। देखने में पूरा तार्जन है। ओहो, तुम्हारे सारे जानवरों को उसने इंसान बना दिया क्या? गुड गुड। चल अंदर बैठ। लता, बहुत देर हो चुकी है, मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। ओह, वो मैं बताना भूल गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं अपने फ्रेंड के बंगले पर जा रही हूँ। क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, इसलिए ये रहने के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हैं। प्लीज ड्रॉप अस देयर, डोंट अननेसेसरीली पुट द क्वेश्चन। ठीक है, चलो। लता, मैं शाम को आता हूँ। मत आइएगा, मैडम को बार बार कोई डिस्टर्ब करे ये मुझे पसंद नहीं है। तुमसे अगर कोई काम निकल आया तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, फोन कर दूंगा मैं तुमको। इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, ओके? मिस्टर पीए, यस, वन सेकंड प्लीज। यार, ए, अभी जो तूने बोला ना, अगर दोबारा बोला तो हाथ पैर तोड़ के सब यहीं रख दूंगा, समझ गया ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं समझ गया सर। करेक्ट कहा आपने, मुझे क्यों मारा है? हीरा की तारीफ करके तूने मेरी नाक कटवा दी, तू पैदल ही आ। माफ करना सर। What, sorry? मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? गलती से हो गया। So what? अचानक ही हो गया। What because going that? तुम्हें हिंदी नहीं आती क्या? Sometimes हिंदी भी बोल सकता हूँ। तेरी तो मर गया मेरी माँ। हीरा, तेरा दोस्त हूँ मैं। अभी औकात पे आया, ये क्या हो लिया है? तब तेरी वजह से। This man of lovely PA for the lovely girl. क्या कहा? हमारे हीरो से वो प्यार करती है। Love? Yeah. कौन है वो हीरोइन? लता, हमारी पुरानी फैक्ट्री की ओनर, जिसका तुमने टायर फाड़ा था। वो मुझे चाहने लगी है? या ओह गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज।
Is she love me? Oh, I can't imagine about this. How she love me, yaar. I'm for her and she is for me. We made for each other. Yes, I love her. She love me. Yes, I love you. I love you. I love you. English! तुमने ऐसा क्यों कहा? प्यार का नाम सुनते ही तू तो इंग्लिश बोलने लगा यार. मैंने इंग्लिश सही नहीं बोला क्या? या ओके, लिटिल ओके. वो यहाँ आई है क्या? सिर्फ तुम्हारे लिए वो यहाँ आई. इस वक्त कहाँ है वो? गुंडे के मठ पर. छी, स्वामी जी के मठ पर आई है. तुम एक बात जानते हो, बचपन में नौकरी के साथ साथ तुम पढ़ाई भी करना चाहते थे ना. वो मेरा ही घर था और वो लड़की मैं ही हूँ. समझा नहीं? राम जी कितने साल के लिए वनवास गए थे? 2 साल. 14 साल सर. चारू? उस दिन के बाद से हम लोग आज पूरे 14 साल के बाद मिल रहे हैं. अब हम कभी एक पल के लिए भी जुदा नहीं होंगे. 14 साल पहले की वो छोटी सी नादान लड़की और वो शरारती नटखट तुम, अब हम एक साथ ही रहेंगे. हाय अंकल. अंकल आप कब आए? हाय डैडी. क्या डैडी, मेरा कोई बेटा ही पैदा नहीं हुआ. कौन है तू? दिस मैन ऑफ द पीए, द लवली पीए ऑफ दिस लवली गर्ल डैडी. गधा कहीं का बेटा. क्या है ये सब? ठीक है छोड़ो, वो बताओ मुझे, यहाँ आए 4 घंटे हो गए, कहाँ गई थी तुम, किस काम से गई थी? अंकल वो है ना, हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई ऐसे नहीं शर्माया. क्या है लड़की इस उम्र में शर्मा रही है तो आपको समझ लेना चाहिए. अंकल वो है ना. समझ गया. दामाद खिलाड़ी है, लगता है मेरा काम बन गया. दामाद? किसके बारे में कह रहे हैं? मैंने तेरी शादी तय कर दी है बेटी. लता तुम उसे अब प्यार करने लगी हो, पर मैं तुम्हारी शादी पहले ही तय कर चुका. इन सब कामों में मैं बहुत तेज हूँ. तुमने राह ढूंढी, मैंने रास्ता बना दिया. मैंने फोन किया है, दामाद जी यहीं आ रहे हैं. अंकल कौन है वो? हमारा शंकर. कौन है वो? 1 करोड़पति बाप की इकलौती संतान. एक बार उसकी शादी हो गई, मेरा बेड़ा पार, सारा कर्जा चुक जाएगा. I'm very sorry अंकल, मैं उस शंकर से मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो हीरा से मिलने आई हूँ. क्या कहा? वो 2 कौड़ी का मजदूर? कैसी बात कर रही है बेटी? शंकर के माँ बाप यहाँ आने वाले हैं. अगर तुमने शंकर के साथ शादी नहीं की ना, आगे मैं समझाता हूँ. तुम जहर खा के मर जाओगे, तुम्हारी सारी धन दौलत चली जाएगी. यही बिल्कुल सही, यही सब तो मैं फिल्मों में देखता हूँ. देखो मैडम, अक्सर फिल्मी बाप जो डायलॉग्स बोलते हैं ये वही बोल रहे हैं. फिल्मों में जैसे लड़कियाँ बात मान लेती हैं, वैसे तुम भी मान लो ना. आइए, लड़के वाले आ गए हैं. आ गए क्या? जाइए जाइए, मैं तब तक आग तापता हूँ. आइए आइए, आगे कौन है पीछे कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा. आइए आइए, अंगूर ने पैंट पहना है, ऐसे लग रहे हैं आप. नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, अंदर चलिए आइए आइए. मैं हूँ श्रीमान इंदर बहादुर. मेरी झोपड़ी में आपके कदम पड़ गए, मेरे लिए खुशी की बात है. क्या शंकर, ये क्या कह रहे हैं? आपके साथ रिश्ता होने तक मैं छोटा हूँ, बाद में बड़ा हो जाऊंगा. बैठिए उधर, बैठिए बैठिए, सोफा 25,000 का है. ये मरवाएगी. अह
अरे मोटे, खाना कम खाया कर, तौंद कितनी आ गई। ये सब क्या ड्रामा है? साड़ी पहन के आने के बजाय तुम जींस और शर्ट पहन के आई हो। अंकल, ये लड़का मुझे यहाँ देखने आया है ना, मेरे ड्रेस को नहीं। नो नो नो, आज के जमाने में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। आप सही कह रही हैं बहन जी, दिस इज माई ओनली डॉटर लता। बेटा, ये तेरे सास ससुर हैं, लड़की को तो तुम जानती ही हो। सुनिए अंकल, मुझे लड़के से कुछ बात करनी है। लता, करेक्ट, शर्माना नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। शादी से पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, तुम बात कर सकती हो। बात करो, बात करो। होने वाले पतिदेव, अंकल ने कहा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वो तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? मैं समझाती हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, अगर ये बात तुम्हें शादी के बाद पता चलेगी तो दिल टूट जाएगा, इसलिए ये बात मैं अभी बताना चाहती हूँ। मेरे सपनों का राजा कोई और नहीं, आपका मैनेजर हीरा है। यू नो वन थिंग, मेरा हीरा बहुत ही स्टाइलिश है। जब वो इस तरह चलता है और चलते चलते रुक जाता है, और जब टर्न करता है और अपने बालों को जब इस तरह घुमाता है, मैं तो उस पर फिदा ही हो जाती हूँ। उनके उठने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल, उनके हर अदा में स्टाइल ही स्टाइल है। और एक बात बताऊं, और लोग जो काम दो दिन में करते हैं, उस काम को हीरा एक ही दिन में कर देता है। अब बताइए, कोई लड़की उनसे शादी करना पसंद करेगी, या फिर जब से आए हैं तब से बुध की तरह एक ही जगह बैठे इस लल्लू के साथ? देखिए, पैसे के लालच में मैं शादी करना चाहूंगी तो ठीक है, कर लूंगी। तुमने यहाँ रिश्ता तय करने के लिए बुलाया या हमारी बेइज्जती करने के लिए? समधी जी, समधी जी, दामाद जी, दामाद जी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। दामाद जी, मेरी बात सुनिए। दामाद जी, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। दामाद जी, दामाद जी, अरे आप मेरी बात सुन के जाइए। दामाद जी, समधी जी, ये क्या किया तुमने? अंकल, लड़का मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहा गया, वो तो अपने आप ही चले गए। अगर वो ही मुझसे शादी करना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तू उसी से शादी करना चाहती है ना? ठीक है, तैयार हूँ मैं। मालिक, 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 जिसे आपने बुलाया था वो यहाँ पर आ गया है। मुझे आपने बुलाया है? मैंने बुलाया था, मैंने। मेरे स्टेट में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, दोबारा इस घर के चौखट पे कभी कदम मत रखना। वो मेरे लड़के को ना पसंद करती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, तेरी दो कौड़ी की औकात नहीं है, और वो तुझे हमारे बराबर तोल रही है। उसे कोई लावारिस भिखारी अनाथ ही चाहिए था, तो तू उसी के पास जाकर रहे। माँ बाप के होते हुए मेरे लड़के की उसने इतनी बेइज्जती की। माँ जी, कौन है तेरी माँ? मैं? छी, जन्म देने वाली को तो माँ कह नहीं पाया, और किसी को भी माँ बुलाने से क्या वो तेरे जैसे अनाथ की माँ बन जाएगी? तू कहाँ पर नौकरी कर रहा है, कहाँ पर रह रहा है, ये तो उसे बता दिया, पर तू किसकी औलाद है ये नहीं बताया उसे। माँ जी, तू मुझे मैडम कह के बुला, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर माँ बुलाकर मेरा अपमान मत करो। जब से हो संभाला यही सुनता आ रहा हूं मैं। माँ जी, ओ ऐसा नहीं कह सकता ना,
शायद आपकी नजरों में माँ की कोई कीमत नहीं होगी। फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपको माँ नहीं कहूंगा। जरा गौर से सुनिए, जब तक पति और पत्नी नहीं मिलते संतान पैदा नहीं होती। किसी और की गलती के लिए सिर्फ मेरी माँ को गुनहगार ठहराया जाना यह बिल्कुल गलत है। एक शादीशुदा औरत भी अपने आप को सती सावित्री कहने का दावा नहीं कर सकती। दुनिया के ताने सुन सुनकर जन्म देने वाली माँ पापी नहीं होती। बच्चे को पैदा करके भाग जाने वाले लोग शरीफ कहलाते हैं क्या? ए, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू निकल यहाँ से। I say get out. हीरा, रुक जाओ। लता ने इसे नापसंद किया, इसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन तुम हीरा को यहाँ से नहीं निकाल सकती। क्या कहा? शंकर ने हीरा को जिस नौकरी पर यहाँ रखा था, अब तुम उस नौकरी से भी हीरा को नहीं निकाल सकती। हीरा, आज से तुम मेरे लिए नौकरी करोगे। इस घर के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल सके। सर, आप क्या सोचकर मुझे इस नौकरी पर रख रहे हैं मुझे पता नहीं है, फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, आज के बाद आपको एक खरोच भी नहीं आएगी। मैं देखता हूं कि मुझे हर जगह से भगा दिया जाता है, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने गले से लगाया है। मालिक, हीरा, मैं इस काबिल नहीं हूं बेटा। अपनी मां के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, पर तुम्हारे पिता वो कहां है? माँ का प्यार क्यों न मिला, नफरत की दुनिया में पला, कोई नहीं जो अपना इस दुनिया ने खूब छला। माँ का प्यार क्यों न मिला, नफरत की दुनिया में पला, कोई नहीं जो अपना इस दुनिया ने खूब छला। रिश्ते सारे झूठे ही है, सपने सारे टूटे ही है, रिश्ते सारे झूठे ही है, सपने सारे टूटे ही है। करने हैं जितने भी सितम ये दुनिया, करके अब खुश हो ले कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार, ये जीवन है धिक्कार, मुझे समझे सब बेकार। कैसा चक्रवर्ती दुनिया नफरत करती, हो रहा हो कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। बेटा, हीरा से मिलके आ रही हो क्या? हाँ अंकल। हाँ, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, तुमने उसे बता दिया ना? ओह यस। शादी का कार्ड छपवा दिया, मेरे दिल को पसंद आ गया, इसलिए मैंने शादी की तारीख पक्की कर दी। तुम्हारी शादी धूमधाम से होनी चाहिए ना बेटा, मंगनी की जरूरत नहीं है, शादी में ही पूरी रस्म कर लेंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा है। शादी के बाद तुम लोगों का ट्रेन टिकट फ्री, अपने देश का पूरा कोना कोना घूम लेना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये क्या है अंकल, इसमें लड़की का नाम नहीं है। अरे अरे फिकर मत कर बेटा, हीरा ही तेरा दूल्हा है, इसमें किसी बात की दो राय नहीं है, समझ गई ना? इसमें तेरा नाम लिखने से पहले श्रीमान इंदर बहादुर की इकलौती बेटी सुश्री सौभाग्यवती लता करके छपवाया है, लेकिन हमें लड़के के माँ बाप का नाम नहीं मालूम है ना। अब उसका पिता कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, इसलिए प्रेस वालों से कहकर वो जगह मैंने खाली छुड़वा दी है, मिलते ही वहाँ नाम छपवा दूंगा। ये क्या अंकल, आपने उसके अनाथ होने की वजह से उसका नाम तक नहीं डाला, मगर इनका पीए जिंदा है, किसी भी कीमत पर जान पर खेलकर हीरा के माँ बाप का पता लगाऊंगा। ये क्या बक रहे हो, तुम पता लगाओगे उसका? कहाँ से लाओगे तुम अनाथ लड़के के माँ बाप का पता, कहाँ मिलेगा तुम्हें उसका बाप, या तिरुपति की तीर्थ यात्रा में तुम्हें वो मिल जाएगा? हिम्मत है तो ढूंढ कर निकालो, नहीं तो हो चुकी हीरा से इसकी शादी। हीरा से तो इसकी शादी होकर रहेगी। Thank you.
दामाद को इसी पानी में लाकर डुबाना पड़ेगा। दत तेरी की। अरे आओ दामाद जी। हाँ मैं तुम्हारा दामाद और तुम्हारी भतीजी किसी और के साथ। अरे छोड़ो दामाद जी, वो उससे प्यार करती है पता है ना, तुम्हें तो लड़की पटाना भी नहीं आता दामाद जी। मैं सिर्फ लड़की को पटाना नहीं, उसको छीनना भी जानता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो उसे शादी से पहले ही माँ बना देता, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी लड़की में मैंने अपनी पत्नी का रूप देखा। वो तो ठीक है, खैर छोड़िए। तुम्हारे दिल को नहीं भाई तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को नहीं भाई तो हम क्या कर लेंगे। अरे दामाद जी तुम क्या सोच में डूबे हो यार। दामाद जी मेरी लड़की उसे तभी भूलेगी जब गांव वाले उस पर थूकेंगे। हाँ जब कोई लड़की उस पर इल्जाम लगाए और वो बदनाम हो जाए। वो कैसे? पैसे से सब कुछ संभव है दामाद जी, अब आगे तुम ही सोचो। सोच लिया मैंने। जिस लड़के से मेरी बहन की शादी हो रही है उसे नाचना आता है, गाना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मेरी बहन को ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है। मैं गाना गाना जानती हूँ। देखो तुम गाना बिल्कुल मत गाना, नहीं तो सारे बाराती भाग जाएंगे। तुम्हें तैरना आता है भैया? अरे किसके बारे में पूछ रही हो तुम, 1000 गिनती गिनने तक मैं पानी के अंदर रह सकता हूँ। ऐसा क्या? मुझे बुद्धू मत बनाओ, चलो मेरे 500 गिनने तक पानी के अंदर रहो। शर्त क्या लगाती हो? मेरे 500 गिनने तक अगर आप पानी के अंदर रहे तो मेरी शादी में आप ही गाएंगे। फिर तो तेरी शादी में मैं ही नाचूंगा गाऊंगा। एक दो तीन चार। आगे मैं गिनता हूँ। हद तेरी की। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लक्ष्मी लक्ष्मी, मैंने तेरी इज्जत लूटी अगर किसी से कहा तो तेरा चैप्टर तो क्लोज, इस भाई का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। हाँ माइंडेड। लक्ष्मी 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 किसने ऐसा किया? बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। बताती हो या नहीं? छोड़ो ना भाई, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? फिर किससे पूछूं मैं? ऐसा बुरा काम करने वाला इस गांव में सिर्फ एक ही है। पाप अच्छा काम करता है और बेटा बुरा काम करता है। यह शंकर का ही काम है। यह सही कह रहे हैं। Thank you.
हीरा, हीरा रुक जा, छोड़ दो उसे। हाँ पिता समान है इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसे सच तो बोलना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बता। रुक जाओ हीरा। छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे। माँ बाप के सामने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन कोई उस पर हाथ उठाए तो वो चुप नहीं रहेंगे। रुक जाओ। बताओ बहन, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? खामोश क्यों? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी ने तुम्हारी इज्जत लूटी ना? मैंने तेरी इज्जत लूटी अगर किसी से कहा तो तेरा चैप्टर तो क्लोज, इस भाई का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। हाँ माइंड इट। यही है ना? वो कैसे बताएगी? बहन बहन कह के तू इसके साथ घूमता है और इल्जाम तू मुझ पे लगा रहा है? हाँ रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, मगर आज मैं शर्मिंदा हूं। अगर एक मिनट भी यहां रुके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो जाओ। भैया मुझे माफ कर दो, यह इल्जाम अब तुम्हारे ऊपर आ रहा है, इसलिए अब मैं चुप नहीं रह सकती। मालिक, इसी ने मेरी इज्जत लूटी है। इसने मुझे धमकी दी थी कि यह मेरे परिवार और भाई को मार देगा। आप पर इल्जाम लगता देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना भैया। नीच कमीना। पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। ए, इस लड़की से अगर शादी करके इसे नहीं अपनाया तो हम लोग तुझे मार डालेंगे। आज तक हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते आए हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांधो मंगलसूत्र। किसी ने आपके लड़के को सुधारने के लिए उस पर हाथ उठाया तो आप सहन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, होता है। अब गांव वालों के सामने इससे कहिए कि लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाए। नामुमकिन, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। सुनिए, मेरा लड़का इस लड़की से शादी नहीं करेगा। गोपी, तेरी बहन की शादी होगी और वो मेरे घर की और खानदान की बहू बनेगी। पुष्पा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आजकल तेरे घर में चल क्या रहा है? तेरे लड़के ने तो तेरी नाक ही कटवा दी। पुष्पा, पुष्पा, तेरे लड़के में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तेरा बेटा होकर भी कैसा नीच काम किया है उसने। एक बात ध्यान से सुन, जब तक तेरे लड़के की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें क्लब में आने की कोई जरूरत नहीं। नो! पुष्पा, अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाकर मर जाने से आपको क्या लगता है कि आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? सारे लोग मुझ पर थूक रहे हैं, आज तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे बचाना चाहते हो, इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। वाह रे अमीरों का इंसाफ, जाने अनजाने में भी भूल न की हो वो आपकी नजरों में गुनहगार है। आपके बेटे की गलती को सामने ले आने वाला गुनहगार है।
बच्चा पैदा करने के बाद माँ का फर्ज बनता है कि वो उसे गोद में बिठाकर दूध पिलाकर उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि आया के हवाले करके क्लब में जाकर पत्ते खेले और पार्टियां बनाए। आपको अपने घर का परिवार का ख्याल होता तो आज ये ऐसा नहीं करता। बचपन की गलतियों पर अगर दो चांटे लगाए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। बच्चों को बिगाड़ने में बाहर वालों का कम बल्कि माँ बाप का ज्यादा हाथ होता है। उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि गुनहगार मैं हूं, तो जला दीजिए मुझे। काश तुम मेरे ही बेटे होते। तुम्हारी माँ ने बहुत पुण्य किए होंगे। पूनम, मेरे जवानी के भूल की सजा 100 गुना सूद समेत मुझे वापस मिलेगी, ये बात मैं पहले से जानता था। पिताजी, क्या चाहिए तुम्हें? आपका किया फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। गलती तुमने की है या मैंने? शादी से पहले अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को गर्भवती बनाता है तो उस लड़की के साथ उस लड़के की शादी कराना ही सही फैसला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी बद्दुआ से जिंदगी भर तड़प तड़प कर जीना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को वो दिन देखना पड़े, इसीलिए ये फैसला लिया। आपका फैसला आपके लिए इंसाफ होगा, मेरे लिए नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ये शादी नहीं करूंगा। अगर तू मेरी जायदाद का वारिस बनना चाहता है तो तू चुपचाप उस लड़की को अपना ले, वरना सारी जायदाद मैं अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा। अंकल, मैं हीरा के पिताजी को लेकर आई हूँ। क्या, हीरा के पिताजी को? कहाँ है वो? बाबूजी, आइए। अरे पापी, तू यहाँ? ये तुम्हारे अंकल हैं? ये वही पापी है जिसने हीरा को मारने के लिए मुझे सौंपा था। मतलब इसने उस बच्चे को मारा नहीं था, मतलब हीरा पूनम का बेटा है, मशहूर गायिका भुवनेश्वरी पूनम का बेटा। तेरा मुंह बोला भांजा। ना ना, मैं नहीं मानता, मुझे शराबी की बातों पर विश्वास नहीं है। देख, मेरे बेटे हीरा के साथ अपनी भतीजी की शादी करा दे, नहीं तो पुलिस को सब बता दूंगा। तूने जो भी किया सारे गांव वालों को बता दूंगा। हाँ मिस्टर देशमुख, मैं इंदर बहादुर हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ, वो भी क्रिमिनल। 25 साल पहले मैंने अपने बहन के बच्चे का अपहरण होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी थी बेटा। इस बात को तुम ध्यान रखना, तू खुद ही उल्टा फंस जाएगा। तू अगर पुलिस में कंप्लेंट करेगा तो तुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे नहीं, कुछ समझा? पर तू चिंता मत कर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर तू अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। लता, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को वहां नहीं रहना चाहिए, समझी? अरे उसे क्या देख रही हो, चलो बेटा अंदर, अंदर जाओ। अंकल, अरे हाथ हटा बेटा, दब जाएगा। दरवाजा खोलिए अंकल, जल्दी खोल दूंगा बेटी। पिताजी खुश रहो। सौभाग्यवती भव, जाओ अपने भाई से आशीर्वाद लो। भैया, अपना हीरा कहाँ है? हीरा? हीरा
कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। अखियों से क्यों आंसू बहे, आगे क्या हो कैसे कहे। सुनो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। सुन लो दामाद जिसका हो मोटा, होगा ना कभी वो सिक्का खोटा। वो कसम से दे घर सहारा, उसकी छाया से चलता गुजारा। कोई घर लंबा मिले जमाना कदम तले, सवार होके उसके संग संग बढ़ चलो। उसे झुकना ही पड़े प्यार करना ही पड़े, जोर को प्यार करे वो बड़े ही मन से। मोटा हो या लंबा हो दामाद, आता बड़े काम रखना या। कोई ऐसा ना मिल जाए कहीं, हजम कर ले सारा माल। दूर कभी थे है, है, है। दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। है देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। अखियों से क्यों आंसू बहे, आगे क्या हो कोई कैसे कहे। सुनो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। मर्दो जैसा सजीला हो राजा, बीवी जिसका बजाए ना बाजा। हमने दामाद देखे हैं ऐसे, बीवी के ताने सुनते हैं कैसे। ख्याल मन में चले यह दिल दिल से मिले, बसी है मन में मेरे हाँ छवि तुम्हारी। तुम्हें देखो तो लगे कोई शंका से जगे, किसी चेहरे पे मुझे दिखते हैं मकारी। सब पे भारी हूँ मैं समझा क्या, हाँ शातिर नहीं बनना समझा क्या। अरे खुल के मैं ना बोलूँ मेरी बातों को तो समझो हाँ। दूर कभी थे कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। अखियों से क्यों आंसू बहे, आगे क्या हो कैसे कहे। सुनो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो। सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। शंकर रुक जाओ, रुक जाओ शंकर बेटा। नहीं शंकर, रुक जाओ शंकर बेटा, उसने मेरी जान बचाई है, तुम उसकी जान नहीं ले सकते। छोड़ो मुझे, चाहो तो मेरी जान ले लो। नहीं छोड़ो मुझे शंकर बेटा। Malik!
सॉरी सर, आप तीनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। डॉक्टर, आपके पति का ब्लड ग्रुप है एबी नेगेटिव, जो यहाँ नहीं है। दैट्स वेरी रेयर, लाखों में किसी एक का ही होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर खून नहीं मिला तो मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन हो भी गया तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। मेरे पति की जान सिर्फ शंकर ही बचा सकता है। क्या मतलब? बाप बेटे दोनों का खून एक ही ग्रुप का है, लेकिन शंकर खून दे भी नहीं आएगा। आप फिक्र मत करिए, वो कैसे नहीं आएगा मैं देखता हूँ। hey, क्या है ये सब? क्या चाहिए तुझे? तुम्हारा खून चाहिए। तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है, उन्हें बचाने के लिए तुम्हें अपना खून देना होगा। मेरे डैडी जिंदा रहें तो मेरे लिए नुकसान ही है, वो जब मरेंगे तभी मेरा फायदा है। डॉक्टर, इसका खून चेक कीजिए। hey! I'm sorry, मिस्टर हीरा, इनका खून एबी नेगेटिव तो है लेकिन मैं ले नहीं सकता। क्यों? इन्होंने ड्रिंक किया है, इनके खून में एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम एल्कोहल मिला हुआ कोई भी खून पेशेंट को चढ़ा देते हैं तो उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तुम मेरे पास आओगे मुझे पता था, इसलिए मैंने फुल चढ़ा रखी थी। अब मेरे पिता को तू ही क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। I'm sorry. आज की एक खास खबर, एक मशहूर बिजनेसमैन श्री विश्वनाथ जी की जान खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत जरूरत है। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, 4408-4409-4410। पिछले 25 सालों से तुम कभी आश्रम छोड़कर नहीं गई, और आज तुम अचानक ऊटी जा रही हो, बात क्या है बेटी? स्वामी जी, मरती हुई इस अभागन की जान बचाकर आपने आश्रय दिया, जिसका इस दुनिया में कोई भी न हो उसका भगवान होता है, ये बात आपने बताई थी। संसार में जो भी आया है उसका एक फर्ज होता है, वो फर्ज अगर हम निभाते हैं तभी भगवान की शरण में जा सकते हैं। अब मेरा फर्ज निभाने का समय आ गया है। डॉक्टर, मेरे मालिक इस वक्त कैसे हैं? फिक्र मत करो मिस्टर हीरा, हमने खून के लिए ट्यूब पर अनाउंस करवा दिया है, यकीन है खून मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, विश्वनाथ जी के लिए किसी का फोन है, प्लीज देख लीजिए। यस, कहाँ? हाँ बोलिए। हाँ कहाँ? मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मेरे मालिक के लिए खून का इंतजाम हो गया, मैं अभी आता हूँ। हॉस्पिटल में मरने वाले तुम्हारे बाप को कोई औरत खून देने आ रही है, उसने अगर खून दे दिया तो वो बच जाएगा। नहीं, मेरा बाप नहीं बचना चाहिए। अरे 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 अरे, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि उन्हें नहीं बचना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ये इंदर सिंह है ना उस औरत को रोकने के लिए, अब तुम्हारे दुश्मन हीरा और उस औरत का खेल खत्म ही समझो, तुम तो बस देखते जाओ। वो कैसे? अरे तुम बस पैसे देते जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। स्वामी जी कहाँ है? अंदर है। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार। वो औरत कहाँ है? तो आप ऊटी के विश्वनाथ जी के घर से आए हैं? जी हाँ स्वामी जी, अभी आता हूँ। यही भुवनेश्वरी पूनम जी है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम विश्वनाथ जी के बेटे हो? नहीं माँ जी, मैं उनका नौकर हूँ। वो कैसे हैं? उनका कोई नहीं है क्या? ज्यादा खतरा तो नहीं है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनकी जिंदगी अब आपके हाथों में है, चलिए। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? बहन जी, तुम्हारे पति की जान को बहुत खतरा है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, पल्स रेट गिरती जा रही है। तुम्हारा मैनेजर खून लाने गया था, उसका क्या हुआ? 3 घंटे के अंदर अगर खून का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर, यस सर, तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लेकर आओ। ओके सर।
बेटा। इन्हें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप नीचे झुक जाइए। रुको, अरे थोड़ा सब्र करो, हर काम में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा उधर नजर घुमाओ। क्यों हीरा, बचपन से जिसने तुझे पाला, क्या तू उसे मरते हुए देखना चाहता है या बड़े मालिक को मरते हुए देखना चाहता है, तू ही बता। जिस औरत को तू लेकर आया है उसे हमारे हवाले कर दे। किस लिए? किस लिए बताता हूँ, उठा के लाओ रे। पहना, तुम जिंदा हो? अरे पापी, 25 साल पहले तूने मेरे बच्चे को मार डाला और आज मुझे भी मार दे, तेरी बहन होने की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं बहन, नहीं, इस पापी के कहने पर मैंने उसे नहीं मारा, वो बच्चा जिंदा है, वो ये हीरा है। हीरा, तू बार बार मुझसे पूछता था ना कि मुझे जन्म देने वाली देवी कौन है, तुझे जन्म देने वाली देवी यही है, यही है। इन्हीं के गाए हुए गाने पर तू डांस करता था। माँ, हीरा, माँ, मेरा बेटा, माँ, हीरा, दत्त तेरे की, माँ बेटा मिलकर मेरे बाप को बचा लोगे क्या? नो, मेरा बाप नहीं बचना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं पहुंचने दूंगा। छी, चुप रहो तुम, कैसी औलाद हो। हीरा, तुम उन्हें बचा लो, अपने पिता को बचा लो, तुम्हारे पिता। माँ का प्यार क्यों ना मिला, नफरत की दुनिया में पला, कोई नहीं जो अपना इस दुनिया ने खूब छला, करने हैं जितने भी सितम ये दुनिया, करके अब खुश हो ले कैसा चक्रवर्ती, ये दुनिया भी नफरत करती। दामाद जी, दामाद जी, ससुर जी, अरे अरे क्या है ये, उसे दामाद क्यों कह रहे हो? अरे जब असली बेटा जिंदा है तो मुझे डुप्लीकेट से क्या काम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे दामाद जी। दामाद जी, तू तो डुप्लीकेट है वे, ये मेरी भतीजी की पसंद है वे, करोड़पति बिजनेसमैन विश्वनाथ का बड़ा बेटा। मुझसे भूल हो गई थी, मुझे इसे पहले ही पहचान लेना चाहिए था, अब क्या करूं, मुझे इसकी शादी पहले ही करा देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता होता मैं तेरे पीछे क्यों पड़ता, मैं बाबी हूँ, बाबी, इस गधे के पीछे पड़कर मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, मेरी भतीजी की शादी इसी से होगी। ए! ए! इसे पकड़ के बांध दो रे। फिक्र मत करो शंकर, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। तो फिर तेरा ससुर होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है। तो सुनो ससुर जी, मेरा पहला फर्ज अपने बाप की जान बचाना है, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें रोक सके। Mardos!
भैया आप जल्दी जाकर हमारे डैडी की जान बचाइए, माँ को लेकर जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। इधर आवे। हाँ सर। वो दोनों किसी भी हाल में हॉस्पिटल नहीं पहुंचने चाहिए, समझे? ठीक है सर, जाओ। हाँ।
माँ जी, वो देखिए भैया आ गए। माँ जी मेरे साथ चलिए, आप डॉक्टर। तुमने होते तो आज उनकी जान नहीं बचती। जी हमारा हीरा आया है। हीरा, न जाने कहां से आकर तुमने मुझे और मेरे खानदान को बचा लिया। जिस देवी ने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई, मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपको सच में उस देवी से मिलना चाहिए। पेट में पल रहे बच्चे की कसम खाके कहती हूँ कि आपको आपके किए गए पाप की सजा अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। जो पाप मैंने किया था, उसकी सजा इसी जन्म में भुगत रहा हूँ। पूनम, हमारा बच्चा वो हीरा है जी। पिताजी, हीरा, इतने सालों तक मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को लावारिस की तरह जीने पर मजबूर किया, मुझे माफ कर दो बेटा। हीरा, आज के बाद तुम नौकर नहीं, मैनेजर भी नहीं, ये घर बार कारोबार धन दौलत आज से सब कुछ तुम्हारा है, तुम मेरे बेटे हो। धन दौलत शोहरत जिसके पास होती है दौलतमंद वो नहीं, दौलतमंद वो होता है जिसके पास प्यार मोहब्बत अच्छे संस्कार और इंसानियत होती है। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो चीज है मेरी माँ के गले में मंगलसूत्र। कभी थे दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या दामाद ये कैसा मिला, अखियों से क्यों
आंसू बहे आगे क्या हो कैसे कहे सुनो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान प्यार बड़ा गहरा है जान लो सात जन्म के बंधन में ये